नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कल संसद का मानसून सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद आज जब विपक्ष संसद के बाहर निकला तो उसके बाद सड़कों पर अपना एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। बता दें कि आज 12 अगस्त को सुबह 11 बजे से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस समेत तमाम 15 जो विपक्षी दल हैं वो आज संसद के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह विजय चौक पे जो विपक्ष की एकजुटता देखने को मिली, इस एकजुटता में राहुल गांधी हो या फिर जितने भी तमाम विपक्ष के बड़े नेता हैं, तमाम लोगों की उपस्थिति यहां देखने को मिली। बिहार से भी आरजेडी और कांग्रेस की भी यहां पर उपस्थिति देखने को मिली। बता दें कि बिहार से जो राज्यसभा सांसद है आरजेडी के मनोज झा और साथ ही साथ कांग्रेस के जो अखिलेश सिंह, इन तमाम लोगों की भी यहां मौजूदगी देखने को मिली थी। बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों संसद में विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया जा रहा था, ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से लगातार आरोप लगाया गया कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रही है और संसद को लगातार बाधित कर रही है। ऐसे में वो आज जब सड़क पर उतरे थे तो उनकी मांग थी कि सरकार उनको बोलने तक नहीं दे रही थी। जब उनको संसद में अपनी आवाज़ उठाने का मौका नहीं देना था तो उस समय भी मौका नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में आज वो सड़क पर आकर अपना एकजुटता यहाँ पर दिखा रहे थे। बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों कृषि बिल लाया गया था उसको लेकर भी तमाम जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके समर्थन में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जो यहाँ पर अपनी एकजुटता दिखाई, साथ ही साथ जिस तरीके से संसद के अंदर में विपक्ष की तरह से आरोप है कि जिस तरीके से उनको लगातार बोलने नहीं दिया जा रहा है, साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर, चाहे बात ओबीसी बिल की हो या फिर पेगासस मामले में हो, इन सभी तमाम मुद्दों पर जो है विपक्ष की आवाज़ सुनी तक नहीं गई। और इन सारे शोरगुल के बीच में ही कई सारे बिल और कई सारे जो विधेयक है उसको पारित भी किया गया और बाद में पास भी करा दिया गया। बता दें कि जिस तरीके से लगातार पिछले दिन हो संसदीय कार्य मंत्री हो या फिर खुद जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो सभापति हैं उनकी ओर से भी आरोप लगाया गया कि जो विपक्ष की ओर से जो कारनामा किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, उन तमाम कार्य जो है वो अब तक के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे काला दिवस के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में आज उसी सब के विरोध में विपक्ष सड़कों पर उतरी हुई थी और उनकी मांग थी कि सरकार उनको जिस तरीके से लगातार बोलने में बाधित कर रही है, ऐसे में सरकार के खिलाफ एक तरह से आवाज़ उठाने का प्रयास किया गया। इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगा न्यूज़ फाउंडेशन अब तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है यह हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया। तो पहला बटन जैसे